पुलिया के टूटने के कारण, देखिए आप देख सकते हैं ये पुलिया टूटा हुआ है। आराम से। मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में लोधीखेड़ा से रंगारी के बीच बने इस पुल की हालत देखिए। ये पुलिया पिछले करीब 2 साल से टूटी हुई है और इस साल तो पुलिया के 4 टुकड़े हो गए हैं। पुलिया की इस हालत से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। यहां की जनता कई बार इस बाबत शासन प्रशासन को बता चुकी है लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलिया के टूटने के कारण, देखिए आप देख सकते हैं ये पुलिया टूटा हुआ है। आराम से। और ये पुलिया के टूटने के कारण यहाँ की जनता इस समस्या का ये कर रही है लेकिन शासन का इस ओर एक कोई ध्यान नहीं है। ज्ञापन दिया हुआ है, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है, फिर भी शासन का इस पुलिया पे बनाने का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के नागरिक रोज़मर्रा की मजदूरी के लिए यहाँ से एकमात्र स्थान है, ये एकमात्र मार्ग है जो हमें बाकी के गांव से जोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितनी समस्या अपनी जान जोखिम में जाकर डालकर इस पुलियों को पार कर रहे हैं, फिर भी शासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं शासन से कि इस ओर वो ध्यान दे, इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द करवाए। और मैं सभी जनप्रतिनिधि से यही निवेदन करूंगा कि इस पुलिया को के निर्माण में वो अपना सहयोग करें। इस पुलिया का निर्माण के कारण कई बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, ये एकमात्र रोजगार का साधन। 2 साल से ये पुलिये के हाल बहुत बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इसकी हालत जर्जर होती चली जा रही है। पुलिये का पहला 1 टुकड़ा हुआ, अब 2 टुकड़े हो गए और कुछ दिनों में हुआ तो ये पुलिया धराशायी भी हो जाए अगर इसे जल्द ना सुधारा गया तो। और बगल में एक नए पुलिये का भी निर्माण चल रहा है लेकिन ये भी पिछले 2 साल से रुका पड़ा है। ठेकेदार बोलता है कि हमें पैसे नहीं मिले इसलिए हमने पुलिये का काम रोक दिया। लोग अपनी जान को इस तरीके से जोखिम में डालकर रोज आना जाना कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ी लेके गिर गया, आज उसकी जान को यदि कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। ये सब फॉर्मेलिटीज होने के बाद भी आज तक इस पुलिये का कुछ भी नहीं हुआ, कोई यहाँ पर देखने नहीं आया कि यहाँ क्या समस्या है, लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पर किसी की तबीयत यदि ख़राब हो जाए, किसी को अस्पताल इमरजेंसी जाना पड़े, एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती यहाँ से। आज यहाँ पर ये हाल है, एम्बुलेंस जाने के लिए भी एम्बुलेंस को 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, चाहे मरीज उस 3 देर में मर जाए। सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, गाड़ी को कितने मुश्किल से यहाँ से ले जाना पड़ रहा है। ये लोगों को खुशी नहीं है यहाँ से जाने की इस तरीके से, लेकिन ये लोगों की मजबूरी है कि अपनी जान जोखिम में डाल के लोग इस तरीके से जा रहे हैं। पुलिया के 2 साल हो गया, ये पुलिया नहीं, व्यापारी डूब गया, कोरोना खा गया, तू लोग क्या करता, ये तो उखाड़ता है, बोलता मैं डर थाना में जाता रिपोर्ट देता, बोला व्यापारी मर गया था क्या करेगा, पैसा भरेगा तू। क्या आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे ये पुलिये से? सावनेर जा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि यहाँ से चढ़ना होता है ना, जमता नहीं हमसे। अच्छा। 2 साल से पुलिया टूटा है। अच्छा। सरकार से भी विज्ञापन दिया हमने। हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा, क्या अभी यहाँ पर मतलब कोई भी सुधार कार्य के बारे में कोई जानकारी मिली क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिली। तो अभी स्कूल के बच्चे और यहाँ के लोग जो कॉलर कंपनियाँ जाते हैं सब घूम के जाना पड़ता है 25 किलोमीटर से। हाँ। यहाँ से आप डाउन होता नहीं, पेट्रोल जलता है ज्यादा। हाँ। उतना पैसा कमाते नहीं। हाँ। अपन। हाँ। ये इसे जाना पड़ता है जोखिम में डालते हैं अपने। सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या मतलब है? ये पुलिया टूटा है तो कहाँ से जाएंगे पढ़ने के लिए? हाँ, कैसे पढ़ेंगी? उधर से घूमते हुए जाएंगे, बहुत टाइम लगता है छोटे बच्चों को घर आने के लिए। उस दिन उधर से आते आते ड्यूटी एक छोटी बस पलट गई थी वहाँ छोटे बच्चों की। ये थोड़ा जल्दी मार्ग शॉर्टकट मार्ग है, इधर से जल्दी आना जाना होता है छोटे बच्चे का, नहीं तो लड़के लोग क्योंकि राह देखते हैं घर के लोग। 2 साल से शासन सोया है, क्या बोलेंगे इनके लिए? 20 किलोमीटर से दूर से बच्चे नहीं पढ़ाई, एक औद्योगिक केंद्र है आगे, वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, रात बेरात मरने की निशानी है। हमारी जान को जोखम में डाल के कमाने जा रहे, रोजमर्रा की कमाई करने जा रहे लोग, क्या करेंगे? मध्य प्रदेश से दा मसला के लिए गजल जैन की रिपोर्ट।